वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं फिर एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। इट्स ऑल अबाउट राइडिंग बूट्स। राइडिंग बूट्स को क्या वर्थ है लेना या नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा इस वीडियो के दौरान। और मैं कौन से राइडिंग बूट्स यूज करता हूँ उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो राइडिंग बूट्स, जैसे कि आपको पता है, इंडिया में राइडिंग कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, राइडिंग ग्रुप्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और लोग जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी बाइक्स के ऊपर बैठ के घूमना चाहते हैं। तो उसमें क्या है कि मैंने देखा है राइडिंग बूट्स थोड़ा सा जो है अभी भी इग्नोर पार्ट है राइडिंग कल्चर या राइडिंग कम्युनिटी में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ग्रुप राइड्स में देखा है या ब्रेकफास्ट राइड्स में देखा है कि वो राइड करते हैं लेकिन वो नॉर्मल शूज पहने हुए होते हैं, या तो कोई स्पोर्ट शूज पहने हुए होते हैं या फिर आपके जो नॉर्मल बूट्स आते हैं लेदर बूट्स वो पहने हुए होते हैं। और कई कुछ केसेस में मैंने ऐसे भी देखा है कि जो इंडस्ट्रियल बूट्स होते हैं जो एंकल लेंथ के होते हैं वो भी लोग काफी पहनते हैं। तो एक ये मिथ और एक इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि राइडिंग बूट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आर राइडिंग कल्चर, राइडिंग कम्युनिटी। क्योंकि एक राइडर को हमें ये नहीं देखना होता कि हाँ, मैंने देखा है जैसे कि राइडिंग गेयर्स में क्या है, ग्लव्स पहने हुए हैं, हेलमेट पहना हुआ है, राइडिंग जैकेट पहनी हुई होती है, बट जो लेग्स का सेक्शन है वो लोग जो है अवॉइड कर जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मेरी आप एक दो वीडियो पहले आपने अगर देखी हो तो वो राइडिंग पैंट्स के ऊपर थी, तो वो एक इग्नोर्ड पार्ट रहा है लोगों का। तो वो उस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राइडिंग बूट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं और कहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है पहनने में, ऐसा कुछ नहीं है। राइडिंग बूट्स जो हैं दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। इंडिया में काफी ब्रांड्स अवेलेबल हैं और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, और अपने लोकल यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। लोग ये सोचते हैं कि अननेसेसरी का खर्चा है कि ठीक है हम बूट्स पहन के चला लेते हैं, ये कर लेते हैं, या स्पोर्ट शूज पहन के चला लेते हैं, तो वो सब चीजें अगर आदमी देखे अपनी सेफ्टी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि अपनी सेफ्टी के से ज्यादा कुछ और है। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं राइडिंग बूट्स यूज करता हूँ, और मैं राइडिंग बूट्स यूज करता हूँ ओराइजो कंपनी का, ओराइजो मोटरसाइकिलिंग। आई एम श्योर आप लोगों ने काफी एड्स भी देखे होंगे, एड नहीं देखा होगा तो अपनी कम्युनिटी में सुना होगा उसके बारे में। ओराइजो के जो राइडिंग बूट्स हैं, मैं ऑलमोस्ट, मतलब अगर मैं अपने ग्रुप का एक्सपीरियंस बताऊं तो ऑलमोस्ट वी आर यूजिंग फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years। जब ये लॉन्च हुए थे एक बार मुझे याद है मैं ब्रेकफास्ट राइड पे गया था थ्रॉटल थ्रॉटल GFR रोड पे, तो ओराइजो का वहाँ पे एक स्टॉल था, तो उस टाइम पे हमने वहां से जो है बुक कराए थे, कुछ 2-3 pair बुक कराए थे। देन उनका जब यूजेज देखा कि हमने उससे पराशर राइड करी है ओराइजो के बूट से, और स्पिति किया है और भूटान किया है और छोटी मोटी जो 600-700 kilometers की राइड्स करी हैं तो वो भी हम लोगों ने सबने करी हैं। तो ओराइजो का जो है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, यहाँ पे उसकी फैक्ट्री है नोएडा के अंदर। और मैं बता दूं पहले कि ये पेड वीडियो नहीं है या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट माई थॉट्स कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ओराइजो के साथ। तो जब मैंने परचेज किया तो मैं जो है अपनी बूट्स, मेरे को जो था कि उस टाइम पे कहीं पे अवेलेबल थे कहीं नहीं थे या मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा था, तो मैंने नोएडा से डायरेक्ट फैक्ट्री से लिए हैं। जी हाँ, ओराइजो की फैक्ट्री नोएडा में है, मैंने वहां से परचेज किए थे। और ओनर जो है, ओनर इज वेरी हेल्पफुल पर्सन। पॉइंट पे आता हूँ कि राइडिंग बूट्स कहाँ हमें हेल्प करते हैं। तो जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं बेकार है, कुछ यूज का नहीं है, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। बिकॉज जो हम राइडिंग बूट्स पहनते हैं यूजुअली, अगर ऑफ रोडिंग कोई कर रहा है या रफ टेरेन पे कर रहा है, कि भाई स्पिति जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं जहाँ पे ट्रेचर्स है पूरा, या फिर आपका पूरा वहां पे रॉकी बेड है उस पर चला रहे हैं बाइक्स, क्योंकि यूजुअली क्या है लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते खराब रहते हैं, तो ऐसे में हमें क्या है कि हम ऐसा तो नहीं है कि एकदम गो थ्रू निकाल दें। क्योंकि स्पिति जब हम गए थे तो मैंने कई सारे राइडर्स, एक राइडर ग्रुप था हिमालयन पे, उनको देखा था, वो बड़े जेम्स बॉन्ड बन के सैडलिंग करते हैं, और अपने सामने सामने मैंने देखा था उस पे कपल था बाइक पे, और वो सैडलिंग करने का जो उनका जोश था वो सीधे उनको पहाड़ के साइड में जो एक आप कह लो नाली बनी होती है उसमें जाके गिरे थे बिकॉज ऑफ देयर स्टुपिडिटी। सो राइडिंग बूट्स जो है, अगर आप जैसे पत्थर कोई लगता है बाइक चलाते वक्त या आप कहीं गिरते हो तो उसमें बहुत हेल्प करते हैं।
पत्थर क्या है कि जैसे राइडिंग बूट्स में आगे जो टो होती है वो मेटल की होती है, नी वाला जो पोर्शन हमारा होता है वो भी मेटल का होता है, एंड दे आर वेरी मच वाटर रेजिस्टेंट कि हाँ जहां तक बूट्स की हाइट है अगर वहां तक भी चल जाता है। तो मेरे पास ये एक बहुत मतलब अपना यूजेज भी है, और मैंने देखा है कि राइडिंग बूट से काफी सेफ्टी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पैर नीचे लटका के चला रहे हैं, या जैसे आप खराब रोड पे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, आपका पैर एकदम से हिट किया किसी पत्थर पे, तो उसमें मेटल टो बहुत कामयाब रहती है। आप मेटल टो से पत्थर भी उड़ जाते हैं बट आपके पैर पे उतना इम्पैक्ट नहीं आता। अगर वहीं आप स्पोर्ट शूज पहन रखे हैं या आपने सिंपल लेदर शूज पहन रखे हैं तो डेफिनेटली आपके पैर में चोट लगेगी लगेगी। तो उस चीज का एक बहुत अच्छा मेजर इशू कह रहा हूं मैं, एक बहुत प्लस पॉइंट रहता है। प्लस कभी आप अगर गिरते हैं कहीं या एक्सीडेंट की केस में कुछ अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो भी आपको एंकल बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है, क्योंकि अगर आपने राइडिंग पैंट पहनी हुई है तो नी का रीजन, नी से नीचे का नी रीजन जो है वो राइडिंग पैंट्स कवर कर लेती हैं, और एंकल लेंथ है, या अगर उससे लॉन्ग बूट्स भी हैं तो जैसे ओराइजो में दो तीन डिजाइन आते हैं, एक वेलक्रो के साथ आता है, एक लेसिस के साथ आता है, और एक ऊपर तक का जो है मतलब आपका एंकल से जो लॉन्ग लेंथ वाले होते हैं वो आते हैं बूट्स। सो मेरे पास जो है वो एंकल लेंथ के हैं, एंकल से थोड़ा सा ऊपर ही आता है, वो भी एंकल लेंथ तो उसको कहते हैं लेकिन वो थोड़ा ऊपर ही आता है, तो वो वाले शूज हैं और दे आर विद वेलक्रो, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा मेरे को, अपना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और दे आर वेरी गुड, जिस प्राइस पॉइंट में वो मिलते हैं एब्सोल्युटली बार्गेन डील। मैं अभी आपको दिखाता हूँ फिर देखिएगा। सो दीज आर द ओराइजो राइडिंग बूट्स विद द वेलक्रो वाले, और ये एंकल से थोड़ा सा ऊपर ही आते हैं, और क्वालिटी आप देखो तो इनकी आवाज सुन तो मैं यहां से फेंकता हूँ, सो रॉक सॉलिड है एकदम। मैं इनको पहन के दिखाता हूँ, तब आप देखिए कि कहाँ कैसा लुक आता है और कहाँ कहाँ इस पे, ये पूरा यहाँ मेटल है, यहाँ पूरा मेटल होता है इसमें, ये इस जगह पे पूरा सोल काफी मोटी है इसकी, और दे आर वेरी कंफर्टेबल। हाँ शुरू में आपको लगेगा कि आपको पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट एक दो राइड्स के बाद, यानी कि आप अगर इसको 200 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पहन लेते हो तो उसके बाद दे आर प्रिटी नॉर्मल, और ये खुल जाते हैं और काफी कंफर्टेबल रहते हैं। पहनने में थोड़ा सा चैलेंज होता है स्टार्टिंग में जब आप यूज टू नहीं होते, बट धीरे धीरे व्हेन यू गेट यूज टू ऑफ दीज राइडिंग बूट्स तो आपको दिक्कत नहीं आती। और एक चीज और मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा मोटे सॉक्स के साथ आप राइडिंग बूट्स नहीं पहन सकते, बिकॉज मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी है। मैं विंटर्स में जैसे राइड करी कभी तो पहन लिए मोटे सॉक्स के साथ, ओहो दीज आर, फिर वो ही आपको परेशान कर देते हैं। हाँ लेकिन एक प्लस पॉइंट है विंटर्स में भी, कि विंटर्स में ये नॉर्मल जो शूज होते हैं लेदर शूज या नॉर्मल स्पोर्ट शूज होते हैं उससे आपको ठंड से बचा लेते हैं थोड़ा सा, तो ठंड से भी ये बचा लेते हैं, एक ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज द लेंथ, ये करीब करीब यहां तक आते हैं, तो हमारी एंकल का जो ये पोर्शन है ये पूरा सेफ हो जाता है, और इतना एरिया जो हमारा शिन एरिया है, शिन एरिया पे क्या है यहाँ पे नी गार्ड है, जैसे राइडिंग पैंट में नी गार्ड है, और आप यहाँ का एरिया भी जो है शिन रीजन भी जो है वो भी कवर्ड हो जाता है। प्लस अगर आप नी गार्ड्स, नॉर्मल नी गार्ड्स भी पहनते हैं तो दे यूजुअली कम अप टू दिस लेंथ, तो आपका पूरा जो एरिया है वो सेफ हो जाता है ये एक तरीके से। तो जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ मेटल टो होने के फायदे हैं, और अभी जैसे मैंने काफी दिनों बाद पहने बट स्टिल आई एम ओके, आई एम कंफर्टेबल बिकॉज ये खुल चुके हैं, क्योंकि इतना राइड कर चुका हूँ इन पे मैं, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। तो मेरे हिसाब से राइडिंग बूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अपनी सेफ्टी के साथ आपको कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूँ, सॉरी मैं बेड पे पैर रख रहा हूँ बट या ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ ओराइजो की ब्रांडिंग है, ये पूरा वेलक्रो बहुत अच्छे है, और ये आपको मैंने जो परचेज किए हैं ये ब्लैक और ऑरेंज स्ट्राइप्स के साथ है, ऑरेंज इसमें स्टिचिंग जो है वो ऑरेंज है, इसमें ग्रे कलर की स्टिचिंग भी आती है, प्लस इसी मॉडल में आपको लेसेस के साथ भी आते हैं, और यहाँ तक जो लॉन्ग लेंथ है वो करीब इस लेंथ तक आते हैं यहाँ तक, तो वो भी दोनों तरीके से आते हैं, वेलक्रो के साथ भी आते हैं और लेसेस के साथ भी आते हैं। तो मेरे हिसाब से वर्थ है राइडिंग बूट्स को खरीदना,
आप काफी सारे ऑप्शंस पे जा सकते हो। रॉयल एनफील्ड के राइडिंग बूट्स भी आते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। अगर थोड़ा महंगे ब्रांड में जाना है तो बीबीजी है, और काफी सारे ब्रांड्स आप सर्च करोगे तो बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। इनकी मैं कॉस्ट बता देता हूँ, दे आर अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग अराउंड 3800। मैं जब लेके आया था तो देवर लाइक 3700 के पड़े थे मुझे नोएडा फैक्ट्री से। और कुछ ना कुछ कई बारी डील्स भी आती रहती है, डिस्काउंट्स भी आते रहते हैं, तो इस प्राइस पॉइंट में मुझे कोई और राइडिंग बूट नहीं आता। आई एम श्योर जो भी आते हैं वो 7-8 हजार से स्टार्टिंग होते हैं। अगर आपको बजट में चाहिए और रिलायबल चाहिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इतनी सारी राइड्स करने के बाद, तो मेरे हिसाब से इनसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो दिस वॉज शॉर्ट एंड सिंपल सा रिव्यू कि राइडिंग बूट्स आर वर्थ ऑफ बाइंग और नॉट। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो दो तीन वीडियोस हैं जो कि मेरी प्लानिंग चल रही है अभी। एक वीडियो हो सकती है शायद से आपको बाइक की सिरेमिक कोटिंग के ऊपर आए, वो भी दिखाऊंगा मैं। वो कपल जहाँ पे करते हैं वो बहुत उनका एक्सपीरियंस है उस चीज का, बहुत अच्छे से करते हैं। तो अब आपको पता है ड्रिल, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट और देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।